हेलो डियर स्टूडेंट्स, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है, अ बॉल ऑफ मास एम स्ट्राइक्स अ रिजिड वॉल विद स्पीड वी। तो एक बॉल है जिसका मास है एम और वो वी वेलोसिटी से एक वॉल को स्ट्राइक करती है। ये रही बॉल, ठीक है, एम मास है और वी वेलोसिटी से ऐसे स्ट्राइक कर रही है। गेट्स रिफ्लेक्टेड विदाउट एनी लॉस ऑफ स्पीड। तो यहाँ आके यहाँ से रिफ्लेक्ट होती है और उसकी स्पीड रिफ्लेक्ट होने के बाद भी लॉस नहीं होती, यानी कि इनिशियल स्पीड भी उसकी वी थी और फाइनल स्पीड भी उसकी वी ही है। एज शोन इन फिगर, आपको फाइंड करना है व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द इम्पल्स इम्पार्टेड टू द बॉल बाय द वॉल, राइट। तो इम्पल्स निकालना है आपको, ये वॉल उसको कितना इम्पल्स दे रही है ना। इम्पल्स का मतलब फोर्स लग रहा है बहुत छोटे टाइम के लिए, तो जो एफ इंटू डेल्टी होता है वो इम्पल्स होता है। तो ये वॉल उस पर बॉल पे कितना इम्पल्स लगा रही है अपन को निकालना है। तो देखो, न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो होता है एफ इक्वल्स टू डी पी बाई डी टी, और अगर मैं एफ को डी टी को एफ के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये बन जाएगा एफ डी टी, है ना। तो डी पी बराबर एफ डी टी हो जाएगा। डी पी का इंटीग्रेशन करेंगे एल एच एस में और आर एच एस में एफ डी टी का इंटीग्रेशन करेंगे। तो ये एक फार्मूला अपन जब यूज़ लेते हैं, जब हमारे पास एफ जो है वो टाइम के साथ चेंज हो रहा होता है, कॉन्स्टेंट नहीं होता, वेरिएबल फोर्स होता है, और इसी फॉर्मूले को हम कन्वर्ट करके इस डी पी को लिख सकते हैं डेल पी चेंज इन मोमेंटम, और डी टी को लिख सकते हैं डेल टी चेंज इन टाइम, ठीक है। ये जो एफ डेल टी है इक्वल्स टू डेल पी, ये हम जब यूज़ करते हैं जो हमारा फोर्स जो लग रहा होता है वो कॉन्स्टेंट फोर्स होता है, और ये चेंज इन मोमेंटम बोल लो या फिर फोर्स इंटू चेंज इन टाइम फोर्स इंटू टाइम इंटरवल बोलो, ये भी इम्पल्स है और ये भी इम्पल्स है। तो अपन को अल्टीमेटली ये निकालना है, चेंज इन मोमेंटम वही हमारा इम्पल्स हो जाएगा, ठीक है। अब अपन निकालते हैं चेंज इन इम्पल्स। अब आप पूछोगे, सर किसका चेंज इन इम्पल्स निकाल, किसका चेंज इन मोमेंटम निकालेंगे। भैया मोमेंटम चेंज हो किसका रहा है, मोमेंटम चेंज इस बॉल का हो रहा है। वॉल तो पहले भी रुकी हुई थी, अभी भी रुकी हुई है ना। तो मोमेंटम किसका चेंज हो रहा है, मोमेंटम चेंज हो रहा है बॉल का, ठीक है। तो किसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि उस पर वॉल लगा रही है कुछ इम्पल्स, उसकी वजह से बॉल का मोमेंटम चेंज हो रहा है। तो जितना बॉल का मोमेंटम चेंज होगा, किसका मोमेंटम चेंज होगा, बॉल का मोमेंटम चेंज होगा किसके द्वारा, इम्पल्स बाय, अपन लिख सकते हैं इम्पल्स बाय वॉल, ठीक है। तो इम्पल्स बाय वॉल इज इक्वल्स टू चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉल। सो अल्टीमेटली हमको क्या करना है, चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉल निकाल लेना है। तो चेंज ऑफ मोमेंटम का क्या मतलब होता है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अब क्योंकि मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो पहले फाइनल मोमेंटम निकालेंगे, उसको सबट्रैक्ट कर देंगे इनिशियल मोमेंटम से वेक्टर क्वांटिटी में। तो अब देखो, यहाँ पे ये जो वी वेलोसिटी है ये इस डायरेक्शन में है, ये एंगल 30 डिग्री है, तो इसको हम दो पार्ट्स में ब्रेक कर लेंगे। ये वी है तो इसका ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा वी कॉस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा, इधर वाला कंपोनेंट हो जाएगा वी साइन थीटा, ठीक है। वो मैंने यहाँ ड्रॉ कर रखा है। तो वी कॉस 30 क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो माइनस के साइन के साथ जे कैप, और ये वाला पॉजिटिव आई कैप में है तो प्लस आई कैप के साथ। तो ये अपना हो गया इनिशियल मोमेंटम। अब अपन लिखते हैं फाइनल मोमेंटम। फाइनली बॉल ऐसे जा रही है, तो एक वेक्टर अपना ऐसे आ जाएगा, एक कंपोनेंट ऐसे आएगा, एक कंपोनेंट ऐसे आएगा। ये वाला जो कंपोनेंट होगा वो होगा v cos 30 j कैप, और जो ये वाला कंपोनेंट होगा वो होगा v sin 30 i कैप माइनस के साइन के साथ बिकॉज नेगेटिव x डायरेक्शन में, और ये भी माइनस के साइन के साथ बिकॉज माइनस y एक्सिस में। दोनों pf और pi मैंने आपको निकालने से खा दिया, मैंने यहाँ पे वैल्यूज़ दोनों की सब्स्टिट्यूट कर रही हैं। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमको इसको सॉल्व करना है। माइनस एम वी साइन 30 आई कैप, और ये माइनस एम वी साइन 30 आई कैप बन जाएगा माइनस 2 एम वी साइन 30 आई कैप, और माइनस एम वी कॉस 30 जे कैप, और ये माइनस ये प्लस बन जाएगा क्योंकि बाहर माइनस है, तो ये दोनों अपने कैंसिल हो जाएंगे। तो ये अपना बन जाएगा चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू माइनस 2 एम वी साइन 30 आई कैप। साइन 30 होगा 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा माइनस एम वी आई कैप, ठीक है। तो अगर मैं चेंज इन मोमेंटम के मैग्नीट्यूड की बात करूँ, तो मैग्नीट्यूड माइनस आई कैप क्या बता रहा है, डायरेक्शन, और मैग्नीट्यूड क्या है, ये एम वी मैग्नीट्यूड है। अपन को अभी सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए फर्स्ट पार्ट में, तो एम वी अपना मैग्नीट्यूड हो जाएगा, तो एम वी अपना आंसर हो जाएगा। सेकेंड पार्ट में बोल रहा है, डायरेक्शन, वट इज़ द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द वॉल ड्यू टू द बॉल। तो बॉल
वॉल पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है, ऑफकोर्स एक्स डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हो ये जो माइनस आई कैप है ये इम्पल्स लग रहा है, ठीक है ना। कौन इम्पल्स लगा रहा है, ये इम्पल्स लगा रहा है, वॉल लगा रही है इम्पल्स, इस डायरेक्शन में इम्पल्स लगा रही है वॉल, ठीक है, माइनस आई कैप में। तो एज अ रिएक्शन, एज अ इम्पल्स क्या, इम्पल्स एक फोर्स ही है ना, ठीक है ना। तो मैं इम्पल्स, ये मेरे पास किसका आंसर आया, ये क्या है, ये चीज़ क्या है, ये है एफ डेल्टी बोल सकता ना इसको, एम माइनस एम वी आई कैप। तो एफ डेल्टी क्या है मेरा, ये पूरा इम्पल्स है। तो एफ वेक्टर की डायरेक्शन क्या आ रही है बेटा, माइनस आई कैप आ रही है ना, देखो क्योंकि दोनों इक्वल है। तो एफ वेक्टर की डायरेक्शन क्या आ रही है, माइनस आई कैप। ये फोर्स कौन लगा रहा है, ये फोर्स लगा रही है वॉल, यानी कि वॉल इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है, ठीक है। तो अगर वॉल पे इधर फोर्स लगा रही है तो वॉल पे इधर फोर्स लगाएगी प्लस आई कैप में, ठीक है ना, एज अ रिएक्शन फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।